तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है हमारी इंटीग्रेशन वाली सीरीज का। तो यहाँ पे तीन टॉपिक हम बेसिकली कवर करेंगे। पहला इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे हम बेसिकली बोलते हैं। दूसरा जिसमें इंटीग्रेशन के दो पर्टिकुलर फॉर्मूले हम लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे। और तीसरा एक प्री डिफाइंड रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने ये फॉर्मूला जब लिया है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली हमको यूज़ क्यों करना पड़ रहा है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, तो जब हमारे पास में दो फंक्शंस होते थे मल्टीप्लिकेशन में, तब हम डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल होता नहीं है, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये सिंपल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में क्या है मैं आपको डिफाइन करता हूँ, सॉल्व बताता हूँ। दो फंक्शन है हमारे पास में, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो पूरा टर्म है ये ब्रैकेट में आता है और इसका होल इंटीग्रेशन होता है। तो क्या है इसके ब्रैकेट में, डी बाय डीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। जो इस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन आएगा उसका फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया क्यों जाता है, तो जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि उसके अंदर कई टर्म्स जो थी वो मल्टीप्लिकेशन में थी, ऑलरेडी हमने वो पढ़ी थी, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, इस टाइप की टर्म्स हमने जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है उसमें पढ़ी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन टर्म्स में सेम टाइप के फंक्शन, जैसे एलजेब्रिक फंक्शन था तो पूरा ही एलजेब्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो पूरा ही ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो इस टाइप के फंक्शन उसके अंदर थे जो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो एक एल्जेब्रिक होगा, एक लॉगरिथमिक होगा, एक एक्सपोनेंशियल होगा, इस टाइप के फंक्शन इसके अंदर रहेंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमारे को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। तो अब हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे कंसीडर करें, तो जैसा डिफरेंशिएशन में होता था कि हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रूल का यूज किया जाता है और उसे कहते हैं हम आइलेट रूल, ILATE, आइलेट रूल। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देने की है कि ये आइलेट रूल इज नॉट द कंपलसरी रूल, ये कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, आइलेट रूल से सॉल्व करने पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये कंपलसरी नहीं है, तो कहाँ पे ये रूल यूज नहीं होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दूसरा L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। A का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद में T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आता है, लॉगरिथमिक में लॉग एक्स टाइप के फंक्शन आते हैं, अलजेब्रिक में एक्स एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे साइन थीटा कॉस थीटा टाइप के फंक्शन रहते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, और एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर एक्स वाले फंक्शन रहते हैं। तो ये एक रूल होता है जो हमें बताता है हमारे फर्स्ट फंक्शन के बारे में। इसके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको यूज क्यों करते हैं, टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, हम आइलेट रूल को फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है इनमें से, तो यहां से हम नीचे आएंगे, हमारे पास में कौन से दो टाइप के फंक्शन है, अगर हम यहां से नीचे आ रहे हैं तो पहला फंक्शन है हमारे पास में एलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले एलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, इसलिए हमारा एलजेब्रिक फंक्शन ही फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स
फिर माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल ब्रैकेट में डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने होल ब्रैकेट लगाया, इसमें dx लगाया, इस वाले इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो कॉस x यहाँ पे लिख के इस माइनस के साइन को हम बाहर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, और इसका होल dx हो जाएगा। अब आपके पास में टर्म बच रही है माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ऐसे यूज करना होता है। अब यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप के हैं जो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब बाय पार्ट्स में जो दो और क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिकली इसी से सॉल्व होते हैं, वो होते हैं log x dx और tan inverse x dx। अब tan inverse x से हमारा मतलब है ऑल दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जहां पे sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, बाकी के जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो यूज होते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है, अगर आपने सब्सटीट्यूशन तक का पार्ट पढ़ा होगा तो आपको कहीं पे भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए नहीं होगा और कहीं पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए नहीं होगा। तो यहां पे जब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब यहां पे हम लॉग एक्स को कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और वन को एज एलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो अगर हम वन को एलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर करते हैं, लॉग एक्स जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एलजेब्रिक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे, लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और इसका पूरे का ब्रैकेट लगा के इसका डी एक्स लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, तो देखो लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, एक्स वन का जो डिफरेंसिएशन है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्यूशन कर रहे हैं और वन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, तो ये x बाय x आ गया और होल जो है वो dx लगेगा, इस x से ये x कैंसल, तो यहां पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी x को, इस x को आगे लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब बच्चों 1 dx का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा x log x प्लस x प्लस सी, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा x ब्रैकेट में log x प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होता है जब आप log x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो log x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो, और अगर आपको log x ही इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है तो इस मेथड से आप log x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर हमको यूज करना रहता है ऑल दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इसमें भी हम यही करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, तो ये हमारा है सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो हमको पढ़ना है वो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना रहेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं अगर वो एक्सपोनेंशियल और साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड आते हैं तो उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक तरीका आता है। यूजुअली ई के साथ में साइन या ई के साथ में कॉस वाले क्वेश्चंस ही आते हैं, टेन कॉट कॉसेक वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। जो आते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे रखा है, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो दे रखा है, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे पर फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं और अब एक क्वेश्चन इसमें से हम लेते हैं, तो हम अगर क्वेश्चन लें इस टाइप का ई टू द पावर टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स,
ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर अगर हम आईलेट टूल यूज ना करें तो भी इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। और ये एक लंबे क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो इसका अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हमें इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, टाइम भी हमारा बचेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये ए जो है वो ए की पावर में होता है, बी जो है वो साइन पे के साथ में होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अंदर अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगी, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कॉस 3x प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर e की पावर 2x, 4 प्लस 9 इज 13, ब्रैकेट में 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस दिन दोनों फॉर्मूला के थ्रू आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये e टू दी पावर 2x sin 3x है, इसकी वजह अगर यहाँ पे e टू दी पावर 3x cos 2x इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो भी वो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है, इसके क्वेश्चन को अगर आप लेंदी मेथड से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं और उसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल आप एग्जाम में अगर करना चाहें इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी वाले पॉइंट की, आखिरी वाले मेथड की जो इस बाय पार्ट्स में होने वाला है। तो वो क्या है, हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो थर्ड पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्मेट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सपोज करो यहाँ पे e टू द पावर x है, मल्टीप्लीकेशन में fx, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे तो fx अगर मेरा सपोज करो है x क्यूब प्लस एफ डैश एक्स, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है और e टू द पावर x के मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, तो कैसे इसका सोल्यूशन होता है, तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये i है, कंसिडर करते हैं दैट दिस इज i, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करवा देते, तो e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब, और दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन के साथ में, तो क्या दिक्कत है, e टू द पावर x इंटू 3x स्क्वायर dx। अब आप सिर्फ इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें भी हमको आईलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो ILATE, A पहले आता है, E आखिरी में आता है, इसका मतलब जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा वो ये होगा, सेकंड फंक्शन होगा वो ये होगा, तो इसी का सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं, सबसे पहले तो आप लिखेंगे x स्क्वायर एज इट इज, फिर e टू द पावर x dx। बच्चों फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो फिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने डाल दिया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिख ले हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन, ये पर्टिकुलर टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन शो हो गया है, ये यहां से यहां तक में हमने इसका इंटीग्रेशन शो कर दिया है, ठीक है। अब ये वाली टर्म है, इस टर्म को लिख लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 3x स्क्वायर dx एज इट इज, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसको एज इट इज लिखा हुआ है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक x स्क्वायर लिख दिया है, दिस इज x क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब आएगा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x dx, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे सॉल्व हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया हमने, ये टर्म को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 3x स्क्वायर dx।
इस टर्म से इस पूरे टर्म को हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो सेम है, तो ये दोनों कट चुके हैं। तो अल्टीमेटली आपके इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है एक्स क्यूब, मतलब इसका आंसर आ रहा है आपका एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है e टू द पावर x जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो तो रहेगा ही, x क्यूब जो कि यहाँ पे है एफ एक्स की वैल्यू, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू थी तो e टू द पावर x एफ एक्स इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। मतलब कहीं पे भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो ऐसा तो उसका डायरेक्ट आंसर आप लिख के आ सकते हैं ये, ठीक है। अब इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन भी देने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये तीन पर्टिकुलर टाइप हैं जो हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और इनको सॉल्व करके आप इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bird on a tree.